इस यूनिवर्स में एक ना एक दिन हर चीज़ का अंत हो जाएगा, फिर चाहे वो आप हो, मैं हूँ या फिर हमारी धरती क्यों ना हो। यहाँ तक कि एक दिन हमारे सूर्य का भी अंत हो जाएगा। लेकिन क्या ये पूरा यूनिवर्स भी कभी ख़त्म हो सकता है? और अगर हाँ तो कब और कैसे होगा? अब ये सोचने में तो इम्पॉसिबल सा लगता है कि एक पूरा यूनिवर्स कैसे ख़त्म हो सकता है। लेकिन ये चीज़ तो हम सबको भी पता है कि जिस चीज़ का जन्म हुआ है उस चीज़ का अंत भी ज़रूर होगा। और इस यूनिवर्स का जन्म आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। इसका मतलब अगर इस यूनिवर्स का जन्म हुआ है तो इसका अंत भी ज़रूर होगा। लेकिन कब और कैसे? सवाल सुनने में जितना आसान लग रहा है, इसका जवाब असल में उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। जब से बिग बैंग की शुरुआत हुई है तब से ये यूनिवर्स लगातार फैलता ही जा रहा है एक मिस्टीरियस एनर्जी के कारण, जिसे साइंटिस्ट डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क एनर्जी के बारे में बहुत कम जानते हैं हम। नहीं जानते कि ये कैसे काम करता है या ये हर चीज़ को बाकी चीज़ों से दूर क्यों ढकेल रहा है। क्या इसका कोई अंत है? जब साइंटिस्ट और कुछ रिसर्चर्स ने मिलकर इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की तो उन्हें इसका जवाब इसी यूनिवर्स के जन्म में ही मिल गया, जिसे ये यूनिवर्स ख़त्म हो सकता है। फिजिसिस्ट मैट कैपलर ने यह अनुमान लगाया कि हमारे यूनिवर्स एक ब्लैक ड्वार्फ स्टार के सुपरनोवा के साथ ख़त्म होगा। ये सुपरनोवा एक्सप्लोशन आज से इतने साल बाद होगा। कैपलर ने बताया कि यूनिवर्स अपने एंड टाइम में ज़्यादातर जल चुके स्टार्स और ब्लैक होल्स से भरा होगा। अब आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि ब्लैक ड्वार्फ स्टार क्या है, ये कैसे बनता है। एक स्टार मरने के बाद क्या बनेगा ये उसके साइज और मास पर डिपेंड करता है। यस, साइजेस मैटर। आप इस इमेज के जरिए ये समझ सकते हो कि जो सबसे छोटे स्टार्स होते हैं जिनका मास बहुत कम होता है वो मरने के बाद वाइट ड्वार्फ स्टार बन जाते हैं, और जो इनसे बड़े होते हैं जिनका मास थोड़ा ज़्यादा होता है वो मरने के बाद न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं, और जो स्टार्स इनसे भी बड़े होते हैं जिनका मास काफ़ी ज़्यादा होता है वो मरने के बाद अपनी ग्रेविटी में कोलैप्स कर जाते हैं और ब्लैक होल्स बन जाते हैं। अब जो स्टार्स मरने के बाद न्यूट्रॉन स्टार और वाइट ड्वार्फ स्टार बन जाते हैं ना, वो धीरे धीरे समय के साथ अपनी चमक खोते जाते हैं और ठंडे होते जाते हैं। फिर एक समय के बाद वो अपनी चमक पूरी तरह से खो देते हैं और उनका रंग पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है, यानी वो बन जाते हैं ब्लैक ड्वार्फ स्टार। एक स्टार को ब्लैक होल बनने में या ब्लैक ड्वार्फ स्टार बनने में बिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लगता है। मैट कैपलर का ये मानना है कि जिस स्पीड से ये यूनिवर्स फैल रहा है एक समय ऐसा आएगा जब ये यूनिवर्स फैलना बंद कर देगा और इस यूनिवर्स के आखिर में सिर्फ ब्लैक होल्स और ब्लैक ड्वार्फ स्टार से बचेंगे। उसके बाद धीरे धीरे यूनिवर्स सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। आप इसे एक बलून की तरह समझ सकते हैं। जिस तरह एक बलून को फुलाने पर उस पर बने डिजाइंस एक दूसरे से दूर जाते हैं, ठीक उसी तरह यूनिवर्स के फैलने पर यूनिवर्स पर मौजूद चीज़ें जैसे कि स्टार्स, गैलेक्सीज या जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं, और अगर एक बलून को ज़्यादा फुला दिया जाए तो वो फट जाता है। इसलिए कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि ये यूनिवर्स एक समय के बाद रुक जाएगा, यानी वो फैलना बंद कर देगा। उसके बाद वो उस स्टेट में वापस आ जाएगा जिसमें ये पहले था, यानी सिंगुलैरिटी पर। एंड आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या? साइंटिस्ट का ये मानना है कि यूनिवर्स के वापस सिंगुलैरिटी पर आने पर फिर से इसमें एक बिग बैंग जैसा धमाका होगा जिससे फिर से एक यूनिवर्स क्रिएट होगा, और ऐसा ही लगातार ये एक साइकिल की तरह चलता जाएगा अनंत समय तक। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।